हमीरपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाने के लिए जिला पुलिस ने खाका तैयार किया है, ताकि लोगों को सड़क पर बेहतर सुविधा मिल सके। सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित ना हो, इसके लिए हमीरपुर जिला पुलिस ने कवायद शुरू की है। शहर में यातायात लाइटों के लगने के साथ साथ हर चौक पर सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सके। एसपी हमीरपुर कार्तिकेन गोकुल चंद्रेन ने बताया कि यातायात जाम से निपटने से लेकर सड़क पर नियमों की अवहेलना करने वालों पर सीसीटीवी कैमरों से शिकंजा कसा जाएगा, तो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जाएगा, जिसके तहत ऑटो सिस्टम से ही बिना सीट बेल्ट फोन का इस्तेमाल किए जाने या यातायात नियमों की अवहेलना किए जाने वालों पर अपने आप ही चालान कट जाएगा। एसपी हमीरपुर कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने बताया कि हमीरपुर जिला में यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पुलिस प्रयासरत है, जिसके लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से भी आगामी दिनों में कानून की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए आगामी दिनों में यातायात लाइटों को लगाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। हाँ जी, हमारा एक प्लान बनाया था हमने नदौन चौक में, और ये प्लान अभी इन द पाइपलाइन है, तो इसको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसको पुट अप करेंगे और पास करा के इसका हम ट्रैफिक लाइट्स इंश्योर करेंगे, ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ रहे शहर में और लोगों को और टूरिस्ट को बड़ी समस्या ना हो। अभी तो हमारा सिर्फ दो चौक में अभी प्लान्ड है, तो इसका डिटेल्स मैं अभी थोड़ी ही देर में आपसे शेयर करूँगा। तो इसके अलावा हमारा ITMS का भी एक प्रोग्राम चला हुआ है, तो उसका भी हमने एक्चुअली जो इसके फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरे कर चुके हैं हम, तो जल्दी से जल्दी हम उसका भी प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट करा देंगे और कैमराज जहाँ इंस्टॉल करने हैं इंस्टॉल कर देंगे। और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ITMS का फुल फॉर्म। इस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के का उपयोग करके हम जो भी वाहन चलाएंगे बिना वायलेशंस करते हुए, जैसे कि नंबर प्लेट का कोई इशू होगा या हेलमेट का इशू होगा या सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम अपने आप डिटेक्ट करके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चलानिंग कर देगा, और जो व्यक्ति होंगे उनके मोबाइल पे उसका इंटीमेशन आ जाएगा।